हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए रसगुल्ले की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये देखिए मेरे रसगुल्ले कितने अच्छे सॉफ्ट बने हैं। तो आपको अगर अच्छे लगे तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। ये मैंने पैकेट का दूध लिया है, ये काऊ मिल्क है। जब भी छेना बनाएं वो काऊ मिल्क से ही बनाएं तो ज़्यादा अच्छा बनता है। ये देखिए मैंने एक पैन रख लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी नीचे, ताकि हमारा छेना नीचे जाके चिपके नहीं। ये दूध के लिए भी बहुत ही अच्छा टिप है, दूध भी नीचे। ये देखिए यहाँ पे मैंने दूध डाल दिया है, ये काऊ मिल्क 1 लीटर दूध है, पैकेट का दूध है। आज हम पैकेट के दूध से ही छेना बनाएंगे। अब हम इसको कंटिन्यू ऐसे से चलाते रहेंगे ताकि मलाई ना पड़ने पाए। दूध में मलाई पड़ने से छेना सख्त हो जाता है और रसगुल्ले अच्छे सॉफ्ट नहीं होते हैं, इसलिए इसको ऐसे चलाते रहना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे दूध में मलाई ना आ सके। ये देखिए इसको इस तरीके से चलाते रहना है। देखिए मेरे दूध में मलाई बिल्कुल भी नहीं पड़ा है, मैं इसको चलाती रही हूँ। अब हमारा दूध देखिए बॉयल हो चुका है। इसको थोड़ी देर इस तरह चलाते हुए अब गैस को बंद कर देंगे और 2 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहना है और दूध को थोड़ा सा ठंडा होने देना है। हमें तुरंत गर्म दूध में छेना नहीं फाड़ना है, नहीं तो छेना अच्छा नहीं होगा। तो ये देखिए दूध 2 मिनट में ठंडा हो चुका है थोड़ा सा। अब मैंने ये नींबू का रस लिया है, ये 1 बड़े नींबू का रस है, करीब करीब 2 टेबलस्पून है। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून वाटर डाल के इसको डाइल्यूट कर लिया है। अब हम 1-1 चम्मच नींबू का रस इस तरीके से डालते हुए 1 चम्मच नींबू का रस डालेंगे और इस तरीके से हल्के हाथों से इसको चला देंगे। और फिर से हम 1 चम्मच नींबू का रस डालेंगे और इसको हल्के हाथों से फिर अच्छे से फिर चला देंगे। ये प्रोसेस हमें थोड़ी देर तक करना है, जब तक हमारा छेना अलग नहीं हो जाता दूध से, बिल्कुल पानी नहीं अलग हो जाता छेना और अलग नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसेस करना है। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आप बिल्कुल घबराइए नहीं, इसको पेशेंसली करते रहिए, आपका छेना ज़रूर अच्छा फटेगा। ये देखिए इतने नींबू के रस में मेरा छेना फट चुका है, बिल्कुल पानी अलग हो गया है और छेना अलग हो गया है। इसको मैंने थोड़ी देर से चला दिया है। अब हमने नीचे 1 बड़े साइज का कटोरा रखा है और ऊपर से ये 6 बड़ी साइज की रख ली है छेना को छानने के लिए। इसके ऊपर मैं 1 कपड़ा रख दे रही हूँ, ये कॉटन का। आपके पास जो भी कपड़ा हो कॉटन का पतला वो यूज़ कर लें। इसमें छेना डाल के छान लेंगे, इस तरीके से छेना डाल देना है। और फिर हल्के हाथों से इसको हिला डुला के इसका पानी सारा निकाल लेना है। हमें बहुत ज़्यादा इसको प्रेस करके नहीं कुछ करना है ताकि ये हार्ड ना हो। ये देखिए मैं बचा हुआ छेना भी इसमें डाल दे रही हूँ। ये देखिए मेरा पैन बिल्कुल नीचे छेना चिपका नहीं है पैन में, ये पानी डालने की वजह से है। बहुत ही अच्छी टिप्स है ये दूध के लिए भी। तो अब हम अपने छेने को वॉश कर लेंगे पानी से। करीब करीब 3 बार मैंने इसको अच्छे पानी से धो लिया है, नॉर्मल पानी लिया है, ना ही बहुत ठंडा ना ही गर्म, ठंडे पानी से इसको धो लेंगे ताकि जितनी नींबू की खटाई है सारी निकल जाए, नहीं तो वो छेने में अच्छा स्वाद नहीं आएगा, खट्टापन लाएगा। अब इस तरीके से हम छेने को हल्के हाथों से निचोड़ लेंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। अब मैंने यहाँ पे देखिए 1 बर्तन ले लिया है, बड़े साइज़ का कुकर ले लिया है मैंने। अब 1 कप ये चीनी मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये 1/2 कप चीनी और डाल रही हूँ। करीब करीब मैंने यहाँ पे 1.5 कप चीनी ले लिया है। ये उसी कप से मैंने फिर यहाँ पे 6 कप पानी लिया है, 1.5 कप चीनी में 6 कप पानी डाला है सेम कप से।
भी रेशियो बहुत ही अच्छा है। इस तरीके से हमें चीनी को चला देना है ताकि हमारी चीनी नीचे चिपके नहीं। हमें कोई भी चाशनी नहीं बनानी है एक तार दो तार की, हमें बस अच्छा बॉयल आने तक इसको गर्म करना है, चीनी घुल जाए अच्छे से और इसमें अच्छे बॉयल आने लगे तो इसको हम हाई फ्लेम पे ही करेंगे। अब चलिए अपना छेना हम तैयार कर लेते हैं। इसको हाथों से ऐसे मसल के छेने को सॉफ्ट कर लेना है, इसमें गुठलियाँ ना रह जाएँ, दाने ना रह जाएँ। जितना इसको मसलेंगे उतना ही सॉफ्ट हमारा छेना बनेगा, रसगुल्ला बनेगा। ये देखिए ये हो गया है। अब मैं इसमें एक बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ, इससे बाइंडिंग अच्छी होगी, छेना फटेगा नहीं। और अब इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने छोटे छोटे अपने छेने के गोले बना लिए हैं, रसगुल्ले। अब हम पानी में डालेंगे इसको, जो हमने चाशनी बना रखी है। तो चलिए देखते हैं, हमारी चाशनी बिल्कुल बॉयल हो गई है। देखिए इसमें कितना अच्छा बबल्स बना हुआ है, बिल्कुल हॉट है। ऐसा ही हमें चाहिए जिसमें खूब सारे बबल्स आते हों, उसमें ही हमें अपना छेना डालना है। तो इसको हमें हाई फ्लेम पे ही करना था। अब एक एक करके अपने छेने को इसमें डालते जाएंगे, एक साथ ना डाल दें नहीं तो आपका छेना अच्छा नहीं होगा, रसगुल्ला नहीं सॉफ्ट होगा। तो एक एक करके इसमें अपने सारे छेने को डाल देंगे। देखिए इस तरीके से ये देखिए मैंने अपने सारे रसगुल्लों को इसमें डाल दिया है, छेने को। इसको 2 मिनट तक ऐसे ही खुला पकाना है। अब हम फ्लेम को हाई टू मीडियम रखेंगे। देखिए इसमें बबल्स ऐसे ही बनते रहने चाहिए, बबल्स रुकने नहीं चाहिए, तभी हमारा छेना बहुत ही अच्छा होगा। ये देखिए इसको अब मैं ढक दे रही हूँ, करीब करीब हमें इसे ढक के आधे घंटे तक पकाना है। तो आप इसको बीच में भी एक दो बार चेक कर सकते हैं, लेकिन इसको पकाने में पूरे आधे घंटे लग जाते हैं। आधे घंटे में आपका रसगुल्ला बहुत ही अच्छा तैयार हो जाएगा। ये देखिए आधे घंटे हो गए हैं, तो अपने रसगुल्ले देख लेते हैं। ये देखिए अब इसको चेक कर लेते हैं पानी में डाल के, ये बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखिए ऊपर नहीं आ रहा है, तो मतलब हमारा रसगुल्ला बिल्कुल रेडी है। चलिए अब इसको हम प्लेट में निकाल के सर्व कर लेते हैं। ये देखिए ये मेरे सारे रसगुल्ले बनके तैयार हो गए हैं, ये बिल्कुल गर्मा गर्म है। देखिए अभी भी इसमें धुआं निकल रहा है, ये इतना गर्म है कि मैं इसमें अपना हाथ नहीं डाल पा रही हूँ। तो आपको मैं स्पून के हेल्प से दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए ये दबाने पर कितना सॉफ्ट है, वाओ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।